वालेकुम। कैसे वीवर आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खरीत से होंगे और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहे खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक अता फरमाए। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, साथ में जो घंटे का बटन उसको दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बार वक्त आप लोगों तक पहुँच सके। तो वीवर हम किचन में और हम बना रहे सैंडविच। तो दोपहर का टाइम है, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो मैंने कहा कि सैंडविच बना के खाया जाए। तो सुबह के हम ना खीर बना रहे थे, 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाना था, तो खीर बना के हमने रख दी है पंखे के नीचे, वो ठंडी हो रही है। तो हसीब स्कूल से आया था, वो खुद सैंडविच बना के खा के चला गया है। उसने बस चीज़ ही डाली थी, आलू वगैरह कुछ भी नहीं इसमें डाला, सिर्फ बंद गोभी डाल के और चीज़ डाल के वो सैंडविच बना के खुद चला गया। तो अब मैं अपने लिए बना रही हूँ और बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो खीर हमने रखी हुई है ठंडी होने के लिए, जैसे ही सीब आता है फिर हम बच्चों को खीर बांटते हैं और नान भी मंगवाते हैं, बच्चों को खीर बांटते हैं। तो ये सैंडविच मैं बना रही हूँ, तो ये चीज़ मैंने खुद घर में बनाई हुई है। तो सैंडविच बना के हम जो आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि जो हमने चीज़ बनाई हुई है वो किस तरह से बनी है। तो ये बन गए मेरे सैंडविच, अब इनको निकाल लेती हूँ और दूसरे डालती हूँ। तो ये दूसरे मैंने डाल दिए, मैंने जो पहले थे वो निकाल लिए, ये डाल दिए। तो अब ये चीज़ मैं आपको सैंडविच तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत गर्म है ये देखें, तो ये देखें व्यूअर, मेल्ट हो के चीज़ ये कितनी मज़े की बनी है। ये मैंने खुद घर में बनाई हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं इसकी रेसिपी। तो ये आप केचप ला के उसके साथ खाते हैं। बस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैर से होंगे, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मैं अब ट्यूशन से आऊँगा, ट्यूशन से आने के बाद ये बच्चों का नान और खीर बांटने लगे हैं। तो मम्मा ने दो खीरों के से कर नान दो हिस्से कर दी हैं। तो मम्मा पहले ही चमचा लेकर बैठी हैं, मैं अब लगाता हूँ बच्चों को, बाद बच्चे आएंगे तब उनको बांटते हैं। पीछे उधर खड़ी हो जाओ, पता चलता